आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह एग्री कमोडिटीज़ यानी कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत मसाला कॉम्प्लेक्स से करते हैं जहां पर हमने सबसे ज़्यादा एक्शन देखा है। हमने देखा कि धनिया में 12,000 के ऊपरी स्तरों के आसपास जो है क्लोजिंग आई है। पिछले महीने जब सारे ही एग्री कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं मंदी का माहौल था या मंदी का रुझान था, तो हमने धनिया को 10,800 से 11,000 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा था। और इस महीने थोड़ा बहुत जो ठहराव आया है एग्री कमोडिटीज़ में, उसके साथ ही हमने धनिया में भी तेज़ी आते हुए देखी है और 12,100 की क्लोजिंग देखी गई है। ऐसा लगता है कि जो एक मसाला कॉम्प्लेक्स है, खास करके धनिया और जीरा, इन दोनों में ही शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में तेज़ी का एक रुझान जारी रहेगा। अगर धनिया की बात करें तो ऐसा लगता है कि 11,600 से 700 के रीजन में जो है बाइंग अट्रैक्ट होती रहेगी, और अपसाइड में हम पोजिशनल बेसिस पे 13,200 से 13,300 के लक्ष्य देख पाएंगे। आने वाले हफ्ते की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 11,900 का एक सपोर्ट दिखाई देता है, और अपसाइड में 12,400 से 450 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। वहीं पर जीरे की बात करें तो एक जो बड़ा दायरे की हम बात कर रहे हैं काफ़ी समय से, 20,800 से 22,200 का फिलहाल प्राइजेस निचले स्तरों से ऊपर की तरफ रुक कर रही हैं, और 22,200 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। हालांकि यहाँ पर भी अगर एक से डेढ़ महीने का एक रुझान लें तो 23,500 का एक लक्ष्य दिखाई देता है आते हुए, यानी लंबी अवधि के लिए अब भी ऐसा लगता है कि यहाँ से 4 से 5% की तेज़ी बिल्डअप हो सकती है। वहीं हल्दी में हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि हालांकि जीरा और धनिया दोनों तेज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्दी में 8,200 से 8,300 के ऊपर जाने की क्षमता फिलहाल कम है। हमने 8,150 के ऊपर प्राइसेस को जाता हुआ देखा, लेकिन उसके बाद 7,900 के करीब की क्लोजिंग आते हुए दिखी है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि हल्दी में फिलहाल एक साइडवेज टू लोअर यानी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का रुझान बना रहेगा, और ऐसा लगता है कि 7,800 के स्तर फिर से जो दाम है वो आने वाले हफ्ते में छू सकते हैं। वर्स के सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल है कि 7,650 तक भी दाम लुढ़क सकते हैं, लेकिन इसे आने के लिए हो सकता है 3 या 4 हफ्ते का समय लग जाए। वहीं पर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ रुख करें तो हमने काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद 5,000 के करीब ग्वार सीड को और ग्वार गम को करीबन 9,200 के आसपास स्थिर होते हुए देखा है, और पिछले हफ्ते हमने एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आते हुए देखा है। हालांकि बहुत लंबी तेज़ी तो नहीं, लेकिन इमीडिएट तौर पे ऐसा लगता है कि ग्वार सीड जो है वो 5,350 से 5,400 तक जा सकती है, और वहीं ग्वार गम जो है वो करीबन 10,200 तक के स्तर को छू सकता है। उसी प्रकार अगर हम कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में जो दायरे के कारोबार की बात हुई है वही आता हुआ दिखा है, जहाँ पर दाम जो है वो 9,300 से लेकर 9,650 के बीच कंसोलिडेट कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते यही एक रुझान दिखेगा। यानी निचले स्तरों पे अगर 9,300 के करीब दाम दिखें तो वहाँ पर बाइंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जैसे ही 9,650 से 9,700 की तरफ प्राइस रुक करती है तो वहाँ पर एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। इसमें भी यहाँ पर भी अगर लंबी अवधि की बात करें 1.5 से 2 महीनों की, तो ऐसा लगता है कि ऊपरी स्तरों को दाम जो है वो छू सकते हैं, करीबन 8,400 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो है एक दायरे का कारोबार यहाँ पर कैस्टर सीड में बना रहेगा। वहीं अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो हमने देखा सोयाबीन और रिफाइंड सोयल में दोनों में ही गिरावट का रुझान दिखाई दिया था। CPO हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पिछले हफ्ते 10% की एक गिरावट भी हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे दबाव बना हुआ है सोयाबीन में और CPO में और रिफाइंड सोया ऑयल में, और यह दबाव ऊपरी स्तरों पे बना रहेगा। सेवन वैलीज की एक रणनीति यहाँ पर लेके चलना चाहिए। ऐसा लगता है कि रिफाइंड सोयल में 1200 से 1210 के स्तर देखने मिलेंगे, जबकि 6,000 के लेवल हमें सोयाबीन में देखने मिल सकते हैं NCDX पर या भारतीय बाज़ारों में। कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन में हमने जो पिछले हफ्ते बात की थी कि 38,000 तक के दाम तक लुढ़क सकती है, तो वो लेवल हमने आज
हासिल होते हुए देखा हफ्ते का क्लोज आते आते। ऐसा लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस करंट लेवल्स पे थोड़ी बहुत एक स्थिरता देखने मिलेगी या प्राइसेस जो है संभल सकती हैं। एक शॉर्ट कवरिंग 40,000 तक देखने मिलेगी, लेकिन ओवरऑल क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट का रुख है काफ़ी महीनों की लंबी तेज़ी के बाद, तो ऐसा लगता है कि एक ओवरऑल जो ट्रेंड है आने वाले 2 महीनों के लिए वो सेलोन रैलीज का होगा और ओवरऑल 35,000 तक के लेवल भी हमें M6 कॉटन में दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने कॉटन सीड ऑयल के क्या बिनौला खल में भी प्राइसेस को लुढ़कते हुए देखा है और 2,400 के करीब के स्तर भी आते हुए देखे हैं। ओवरऑल 2,650 के नीचे जब तक प्राइसेस रहेंगी उछाल पे बिकवाली करना एक वाजिब स्ट्रैटेजी होगी और ओवरऑल 2,200 तक के लेवल हमें कॉटन सीड ऑयल केक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक जायजा कि जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ हैं आने वाले कुछ हफ्तों में और 1 से 1.5 महीने का भी अगर रुझान ले तो क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।